समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की तो मच गया सियासी बवंडर। भाजपा भी इसी महीने करने वाली है 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी चुनाव, 16 प्रत्याशियों की सूची 19 सीटों पर होगी जारी। पूरा इंडिया गठबंधन पीडीए देखता रह जाएगा। मोदी शाह योगी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। लोकसभा की तैयारी अभी से शुरू। जी, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसा माना जाता है कि केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और यही वजह है कि सभी प्रमुख सियासी दलों की नजर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान सबको चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी महीने 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है। हालांकि ये 16 सीट वह नहीं है जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यह 16 सीट वह है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी जिन 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है, उन सीटों पर साल 2019 लोकसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। यह सीट है बिजनौर, मुरादाबाद, सांभल, रायबरेली, अमरोहा, घोसी, नगीना, लालगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, सहारनपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़, रामपुर। साल 2019 लोकसभा चुनाव में 2 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन 2 सांसदों ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चुनावी रण में उतरे और उसमें जीत हासिल कर विधानसभा की सदस्यता ले ली। भारतीय जनता पार्टी इन 16 लोकसभा सीटों पर इसी महीने प्रत्याशी के नाम जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन सीटों पर सबसे मुफीद प्रत्याशी खोजने की जुगाड़ में लगा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह प्रत्याशी पार्टी के अंदर के कार्यकर्ता तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा पार्टी बाहरी जिताऊ प्रत्याशियों पर भी डोरे डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय संगठन इन सभी 16 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशी चाहता है। प्रदेश की ज्वाइनिंग कमेटी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वह प्रदेश में जिताऊ प्रत्याशी ढूंढे। जिताऊ प्रत्याशी अगर किसी और राजनीतिक दल के साथ है तो उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। वैसे भाजपा के इस प्लानिंग को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।